Hi everyone, what's up, dear students? It's me, your Akhim, i the chemistry mentor in front of you. And today I'm going to actually talk about the trick for heating effect on dicarboxylic acid. It's an important topic, it uh, actually can come into your examination. So, from that viewpoint, I'm over here to talk about the same. So it's me, your Rakhi ma'am, and this is all about me. Well, people, you need to download these three apps for your own good and for the seamless uh, performance of your J mains examination, preparation of your J mains examination. Also, you need to join our Telegram channel, and the link has been provided to you over here. So, for say let's deal up with the heating effect on dicarboxylic acid, basically. So we are going to talk about the trick.

zero CH2 groups so it's oxalic acid with okay? us. Talking about M. M is melonic acid. M for melonic acid. Melonic acid. And M for mono also. It's having only one CH2 group between these two COOH groups. Okay. Fine. That's absolutely great. Talking about S. S is for succinic acid. S is for Succinic acid. S is for succinic acid. So, moving ahead with the alignment 0, 1, 2. So, it has two CH2 groups between two COOH groups. It has two CH2 groups between two COOH groups. Okay? Or else we can write them, or else we can actually write them in this particular manner so that it becomes very easy for you to learn.

अब हमें इनके हीटिंग इफेक्ट के बारे में बात करनी है सो पीपल लेट मी एक्चुअली टॉक अबाउटर एन नाउ वॉट इज एन दीज आर दंबर ऑफ कार्बन एटम्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बिटवीन टू सीओ एच ग्रुप दिस इज वॉट यू नीट टू रिमेंबर नाउ इफ नंबर एन इफ आई जस्ट से नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स बिटवीन टू सी ओ एच ग्रुप जिसको मैंने एन से रिप्रेजेंट किया अगर एन की वैल्यू जीरो या वन आती है सो यू नीड टू सब्ट्रैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड अगर एन की वैल्यू टू कॉमा थ्री दो या तीन आती है देन यू नीड टू रिमूव एच टू ओ बेसिकली अगर एन की वैल्यू फोर या फाइव आती है देन यू हैव टू रिमूव एच टू ओ ऑल्सो यू अब यहाँ से शुरुआत करते हैं और आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सैलिक एसिड के बारे में दिस इज ऑक्सैलिक एसिड दिस इज ऑक्सैलिक एसिड इसके हीटिंग इफेक्ट के बारे में बात करते हैं इसमें कितने कार्बन आटम्स हैं बिटवीन दीज टू सी ओ ग्रुप यहाँ पर n की वैल्यू है जीरो सो वी आर गोइंग टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड ओनली कार्बन डाइऑक्साइड कैसे यहाँ से हम रिमूव करने वाले हैं बताइए हाउ वी आर गोइंग टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड ये डाइऑक्सा को रिमूव कर दीजिए हमारे पास ये, H बच गया और ये वाला एसिड so को हीट करने पे हमें फॉर्मिक एसिड मिलेगा द से ये हमारा फर्स्ट सेकेंड के बारे में बात करते हैं जिसे हम मेलोनिक एसिड कहते हैं यहाँ देखिए सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ एंड एच यहाँ पर देखिए सी डबल बॉन्ड ओ ओ एंड एच क्लियर है यहाँ पर एन की कितनी वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास एक सी एच टू ग्रुप हैंग वन कार्बन एटम

जिसके पास में दो सी एच टू ग्रुप्स है बिटवीन टू सी ओ एच ग्रुप समझ में आ गया अगर हमारे पास यहाँ एन की वैल्यू कितनी है टू है सो वी नीड टू रिमूव एच टू ओ बेसिकली एच टू ओ को कैसे रिमूव करेंगे यहाँ से एच और यहाँ से ओ OH, एच ऐसे रिमूव करेंगे और क्या बनेगा अब यहाँ पर जस्ट हैव ए लुक क्या हमारा यहाँ साइक्लिक कंपाउंड बनेगा बिल्कुल ये देखिए सी एच टू सी एच टू एज इट इज है देन दिस इज सी डबल बॉन्ड ओ ये वाला ओ इसका सी डबल बॉन्ड और इसको कनेक्ट कर दो वाटर निकला है तो हमारा ये क्या बन गया एनहाइड्राइड बन गया है ये दिस इज एनहाइड्राइड दैट हैज बीन फॉर्म्ड। बात करते हैं फोर्थ एसिड के जिसे हम क्या बोलते हैं ग्लूटारिक एसिड बोलते हैं जहां पर तीन CH2 हैं बिटवीन दो COOH ग्रुप्स यहां पर आप इस चीज को भी देख लीजिए हां जी मैम तो अगर मैं कह रही हूँ यहाँ एन की वैल्यू कितनी है यहाँ एन की वैल्यू तीन है तो यहाँ से भी हम क्या रिमूव करेंगे पानी को रिमूव करेंगे ऑन हीटिंग बिकॉज हम हीटिंग इफेक्ट के बारे में बात करें तो so, यहाँ से ये यह हाइड्रोजन और यहाँ से ये ओ एच पानी यहाँ से निकल गया सो दिस इज सी ये देखो यहाँ सी ये देखो यहाँ सी एंड देन वॉट इट इज सी

अब हमारा क्या बना यहाँ से देखिए सी एच टू सी एच टू ये देखो C डबल बॉन्ड O यहाँ पर ये सी एच टू है फिर एक सी एच टू है और ये इसकी कनेक्टिविटी है ये क्या बना साइक्लो नॉन बना क्या बना ये साइक्लो पेंटे नॉन यहाँ पर बन गया वेरी सिंपल ना बहुत सिंपल है याद क्या करना है बिकॉज यहाँ एन हमारा फोर है सो so, अगर एन फोर या फाइव आता है तो एच टू और सी ओ टू दोनों रिमूव करने हैं ठीक है टॉकिंग अबाउट द लास्ट एसिड दैट इज दिमैलिक एसिड पिमैलिक एसिड के बारे में बात करते हैं सो so, पिमैलिक एसिड क्या कहता है पिमालिक एसिड ये कहता है कि मेरे जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर व्हाट आई फील कि आई डू हैव फाइव सी ग्रुप्स बिटवीन टू सी ग्रुप्स ये देखिए सी डबल बॉन्ड ओ ओ oh, एच यहाँ देखिए C डबल बॉन्ड O ओ oh. एच इसको जब हम हीट कर रहे हैं सिंस यहाँ N की वैल्यू क्या है फाइव है तो यहाँ से देखिए ये वाटर भी निकलेगा ये सी ओ टू भी बाहर निकलेगा सो माइनस एच टू वो माइनस सी ओ टू होगा सो ओवर हेयर यू कैन हैव अ लुक इट इज सी एच टू देन सी एच टू देन सी एच टू यहाँ पर देखिए ये अटैच्ड है C डबल बॉन्ड ओ से इट्स ओवर हेयर सी

Keep imbibing. We believe in you.